अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड एंड ट्रैवल विद ख्वाजा। आज हम लोग किमाड़ी आए। किमाड़ी की मेन जो मछली मार्केट है उधर तो बड़ा रश होता है। आज हमने ऐसी जगह डिस्कवर की है कि जहाँ पे सिटिंग एरिया भी बड़ा अच्छा है और यहाँ पे मछली के खाने की हर चीज मिलती है, चाहे वो आप सामने देख रहे हैं ग्रिल फिश हो, चाहे झींगा कढ़ाई हो, चाहे फ्रेश फिश हो जिसके आप फ्राई बनवा सकते हैं, या आपके जहन में जो भी आइटम आता हो यहाँ पे सब कुछ मिलता है। और मजेदार बात यह है कि ये किमाड़ी की जो मेन मार्केट है इससे थोड़ा पहले है, यहाँ पे रश भी इतना नहीं है, आप फैमिली के साथ आके यहाँ पे खा सकते हैं। और सुनने में आया है कि ये खाने बड़े लाजवाब हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आज चल के देखते हैं कि इनके खानों में क्या क्या आइटम है, जायका कैसे हैं, और आपको इसकी अपडेट देते हैं। इनके सिटिंग एरिया भी हम आपको दिखाते हैं, बड़ा खुला और कुशादा है, हमने अभी विजिट किया है, उसके बाद हमने वीडियो बनानी शुरू की है। तो आइए हमारे साथ चल के देखते हैं कि इनके आइटम्स क्या क्या हैं, मेन्यू क्या क्या है, और आपको उसकी अपडेट देते हैं। तो आइए हमारे साथ। भाई क्या चीज बना रहे हो आप? ग्रिल ग्रिल फिश बन रही है। कौन सी हीरा है? कौन सी है? हीरा की ग्रिल फिश देखें आप। ये इनका मसाला, हम भी कुछ ना कुछ आइटम मंगवाते हैं, चेक करते हैं, आपको इनका सेटअप दिखाते हैं। ये ग्रिल फिश लगा लें, हम भी देखें कैसे लगती है, उसके बाद हम आपको ऊपर चल के इनका सेटअप दिखाते हैं। बड़ी खुली एनवायरनमेंट में बड़ा अच्छा सेटअप है। ये क्या लग रहा है भाई? कढ़ाई बनेगी, क्या बनेगा इसका? झींगा बारबेक्यू। वेयर ये झींगा रेडी हो रहा है बारबेक्यू के लिए। वगैरह दिखाएं, उसके बाद हम आपको क्रैब सूप भी दिखाते हैं, फिर इनका सेटअप दिखाते हैं। यार ये प्रॉन्स की सीखें और ये ग्रिल फिश कितनी देर में रेडी हो जाएगी? 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगी ये। चले व्यूअर्स ये सूप देखते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। व्यूअर्स इनका क्रैब सूप, यखनी है क्रैब की जो बड़ी फायदेमंद है। भाई मछली कौन कौन सी है आपके पास जो हम लोग खा सकते हैं? सर हमारे पास कुंद है, दंदिया है, मुश्का है, सुरमाई है, हीरा है। ये कौन सी है? ये कुंद मछली है सर। ये कुंद है और ये कौन सी है भाई? दंदिया। दंदिया। तो मुश्का है सर। मुश्का। 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 ये सुरमाई है सर। ये सुरमाई है। वाह जी वाह। और ये कौन सी है भाई? रेड स्नैपर। रेड स्नैपर हीरा मछली। हीरा। और झींगा, झींगा कहाँ है भाई? ये झींगा। हाँ हाँ झींगा भी आ गया भाई। ये झींगा क्या हिसाब है? ये फ्राई बारबेक्यू 1500 है, कढ़ाई 1800 है, कढ़ाई 2000। अच्छा, और झींगा कौन सा है? बड़ा वाला है ना? जी ये जीरा झींगा सर। जीरा झींगा है, ठीक है जी, शुक्रिया शुक्रिया। व्यूअर्स हम लोग ऊपर आ चुके हैं, इनका पूरा सेटअप है, अच्छा खुला सेटअप है, फैमिलीज को लाके आप आराम से यहाँ पे खा पी सकते हैं। और इन्वायरमेंट को लिए चाय भी बन रही है, चाय के बाद खाने के बाद चाय पिए, कावा पिए, हर चीज मौजूद होती है इनके पास। व्यूअर्स आगे तक सेटअप है, ये तो हम सीढ़ियां चढ़ के उल्टे हाथ पे आए थे, इसी तरह सीधे हाथ पे भी इनका सेटअप है। ये हमारा कढ़ाई का सेक्शन है, आप आ सकते हैं यहाँ देख। अच्छा ये कढ़ाई का सेक्शन है आपका? जी जी। यार नीचे तो हमने देखा बड़े मजेदार वो प्रॉन्स और थैंक यू उस ग्रिल फिश बन रही थी। वाह वाह, ये प्रॉन्स कहाँ तैयार हो रही है? जी जी। अच्छा व्यूअर्स इनका जितना भी सेटअप है देखें, सब ऊपर रखा हुआ है, ये गरम गरम रोटी पड़ी तैयार हो रही है। हमें तो इनका सेटअप देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खुला है, और इतना खुला सेटअप मेरे ख्याल से आपको कराची में कहीं नहीं दिखेगा कि आप आराम से पुरफिजा मकाम में बैठ के शोर शराबे से दूर सुकून से अपना खाना इंजॉय करें। यार ये बताइए, जो हमारा ख्याल है कि इतना बड़ा सेटअप जो है आपका ये पूरा आखिर तक, जी जी, इतनी खुली जगह पे कराची में इतने मजेदार, कोई और जगह है जहाँ पे सेटअप हो? नहीं असल में है, जगह तो बहुत सारी है कराची में, किमाड़ी इस वक्त जो है ना बिल्कुल शहर से अलग है इस वक्त। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जिला हमारा जी जी, ये पुरामन इलाका है इस वक्त किमाड़ी, इस वक्त कराची में। और यहाँ पर जो हमारे पास जो लोग आ रहे दूर दराज इलाके से लोग आ रहे जी, यहाँ है बहुत सारे सेटअप है, और भी मछली वाले है जी जी, जो मौसम सरमा आते है सब अपनी मछली की बारे लगा देते है, अपनी दुकानदारी लगा देते हैं। हमारा जो है नदी कुछ बारबेक्यू के नाम से ब्रांच है, हमारे एक ब्रांच हमारी 1 नंबर पर है, दूसरी ब्रांच यहाँ जियाउद्दीन पेपरी अस्पताल के बिल्कुल सामने। अच्छा जैसे आप
ये नेटी जेटी का पुल उतरोगे आगे आओगे ना जी, तो आपका 5 ब्रेक का स्टेशन है, ठीक है, लेकिन सेंटर पे इससे थोड़े ही आगे आओगे जियाउद्दीन का कट आता है अलशिफा मस्जिद के बिल्कुल सामने। अच्छा सही, आप शाम में मिला सस्ता हमारे पास, शाम को ही सस्ता मिला जी हाँ। व्यूअर्स अभी रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और यहाँ पे और देख लें क्या सेटअप है, सभी लोग खाने के लिए आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, जेंट्स बैठे हुए सारे जी, ये कराची के मुख्तलिफ मकामात से लोग आए हुए हैं इस वक्त, कोई डिफेंस से है, कोई कहाँ से है, कोई मलीर से है, कोई कायदाबाद से, यहाँ तक हैदराबाद से भी लोग आए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए इस वक्त। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, से आते हैं हमारे पास। फिर ये देखें ये सीढ़ियाँ थी, इधर से चल के हमने आपको ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सेक्शन दिखाया है, ये काफी बड़ा है, देखें राइट हैंड साइड वाला सेक्शन भी इनका, और यहाँ पे लोग अभी बैठे हुए रात के 2:30 बजे तकरीबन खाना इंजॉय कर रहे हैं। ये कराची के मुख्तलिफ मकामात से लोग आते हैं। अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड पे व्यूअर्स ये फैमिली फैमिली सेक्शन है, पर्दा शर्दा लगा के आप आगे ये सब कर सकते हैं, अगर आप फैमिली को लाना चाहें पर्दे के साथ तो इनके पास पर्दे का भी इंतजाम है। कुछ लोग जा चुके हैं और कुछ लोग अभी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। मर्जी आपको, आपको यहाँ से दिखा सकते हैं रूफटॉप से जी, यहाँ आ जाए, काफी वसी पार्किंग है हमारे पास जी, सबसे आप गाड़ी खड़ी कर डायरेक्ट ऊपर आ जाए, नीचे पट्टी परचेज कर लें, ऊपर सीढ़ियां चल जाए। सबसे अच्छी बात ये व्यूअर्स कि पार्किंग का इशू नहीं है। इमाम भाई आपकी प्राइसेस बताइए कि प्राइसेस कैसी हैं आपकी? प्राइसेस आपके सामने है, ये मेन्यू है ना हमारा, 1 किलो में 4 से 5 पीस आएंगे व्हाइट पॉपलेट। अच्छा व्हाइट पॉपलेट जी, 1 किलो में 4 से 5 पीस आएंगे और ये आपको पड़ेगी 2500 किलो, ठीक है। काला पापलेट है 1500 रुपए किलो बेकिंग के साथ, सही सही सही, काला पापलेट सही बेस्ट है इस वक्त। अच्छा ये बताइए केकड़े का सूप भी चलता है? जी हाँ। अच्छा क्योंकि केकड़े का सूप ये लिखा 350 रुपए केकड़े के क्रेप के साथ जी, सूप के साथ केकड़ा भी एक साथ, एक केकड़ा साथ मिलेगा, 350 रुपए ये केकड़ा बड़े फायदे। अच्छा ये आपका खास बात बताओ, ये सर्दी में काफी मुफीद साबित होते हैं हमारे। अच्छा कोरोना में खासकर कोरोना के हवाले से, कोरोना में जब मैंने सूप का स्टार्टअप किया था तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। अच्छा हाँ, और माशाल्लाह अभी तक चल रहे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ये केप सूप सिर्फ हमारे पास ही केमाड़ी में आपको मिलेगा। अच्छा और कहीं नहीं मिलेगा? और नहीं कहीं नहीं मिलेगा यहाँ पर। सही है सही 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 सही। एक केकड़े के सूप के साथ एक केकड़ा भी मिलता है जो जाहिर सी बात है सेहत बख्श भी और सर्दियों के हवाले से मुफीद भी है। व्यूअर्स हमारे दोस्त भाई भी बैठे हैं, खाना खाने आए थे, इनसे रिव्यू लेते हैं कि मछली कैसी थी और क्या क्या चीजें इन्होंने मंगवाई थी। सब कुछ तो चटपट कर दिया इन्होंने, सिर्फ रोटी के अलावा कुछ ही नहीं बचा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम भाई। क्या क्या ऑर्डर किया था आपने और यहाँ का जायका कैसा लगा आपको? नियाजी माशाल्लाह वीआईपी है, मसाला और जायका भी बहुत बेहतरीन है। मछली तो हम लोग ने अपनी लाई थी। अच्छा मछली अपनी लाए थे, वजह क्या थी? वजह हम लोग अपना काम है मछली। अच्छा मछली का आपका अपना काम है? जी जी सही सही सही। अच्छा उनकी स्पेशलिटी क्या, क्या हम मंगवाएं और क्या खाएं? वाइट पॉपलेट थी और ईरा मछली है जो मशहूर लोग जानते हैं, और झींगा होता है। अच्छा थी, हम लोग ने खुद लाए थे। झींगा कढ़ाई कैसी है इनकी? माशाल्लाह वीआईपी लज्जत है। अच्छा हमने इनकी झींगा कढ़ाई की बड़ी तारीफ सुनी है। जी जी वो खाते हैं और बताते हैं। आप लोगों ने खाना खत्म कर लिया सबने? हाँ मां, कैसा लगा भाई आपको खाना? और आपको भाई? और आपको भाई? खा क्या है? तो दोबारा खाया आपने? बिल्कुल। क्या हो जाती भाई डबलिंग करने की? टेस्ट का सुना था, बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा आ गया इसलिए खाने के लिए। मजा आता है जी। बिल्कुल भाई आपको कैसा लगा? वीआईपी माशाल्लाह, वीआईपी मैं खा के आया था, दोबारा खाया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, घर में पता है? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पता है, बता कर आया। अच्छा ठीक है। आपको भाई? आप बता दो। माशाल्लाह बेहतरीन थी। पास है? बिल्कुल पास। आप बताएं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जबरदस्त। आप सब लोग एक ही इलाके से हैं? अलग अलग इलाकों से? अलग अलग एरिया। अच्छा अच्छा अच्छा, लियारी से हैं? पेज लियारी। सही 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 दीदी। अच्छा 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 ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। व्यूअर्स हमारा मजेदार खाना आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, ग्रिल फिश आ चुकी है, ये हीरा मछली की होती है, इसके अलावा ये प्रॉन्स हैं, ये तो हमारे फेवरेट हैं। जबरदस्त आला। और तीसरा जो आइटम है हमारे पास वो मजेदार प्रॉन कढ़ाई। इनके प्रॉन कढ़ाई की बड़ी तारीफ सुनी थी,
ये प्रॉन फ्राई ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। इनकी जो रोटियां हमने आपको दिखाई थी, ये तवे पे गरम गरम बिल्कुल ताज़ा बनती हैं और बिल्कुल पतली चपातियां ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मज़ेदार, बहुत ही आला है। और इनकी जो चौथा आइटम है इनकी ये घर से बनी हुई चटनी। ये चटनी बहुत आला होती है और इसके साथ मछली को लगा के खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। व्यूअर्स, हम अपना खाना एंजॉय करते हैं। खाना थोड़ी देर से आया, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, हम खाना खाते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ जल्द मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।